ए राहुल का करे जाते हैं बाल कनई काटे कनई हां ओके ओके ठीक है मच्छरदानी था बोल बना रहे ना मच्छर काटते हैं तो लगाए गर्मी के दिनों में जब भी मच्छर काटता है लोगों को मच्छरदानी यूज करते हैं मच्छरदानी में जो चार डंडे होते हैं उस डंडे को हम सब कनई बोलते हैं कनई तो भैया ये कनई काटने आया है चार काटेंगे ठीक है इसमें दो हो जाएगा वैसे इसमें दो हो जाएगा सीधा सीधा चाहते हैं ना इससे यहाँ मिल जाओ मुझे पतला वाला जो काटने आए हैं अगर आप कपड़े नहीं पहने हैं तो बहुत रात में खुजली भी होगी भैया ने कपड़ा नहीं पहना तेल लगा ही ना अच्छा तेल लगा के आया हूँ दो है रुक जाते पिछली बार जब हम अमेरिका से आए थे इंडिया तो हमने जो है सरप्राइज़ दिया था लोगों को किसी को बताया नहीं था तो कोई व्यवस्था नहीं किया गया था मेरे लिए कि कहाँ सोएंगे कहाँ रहेंगे वगैरह वगैरह तो मैंने उनसे बोला था कि हमको सिर्फ एक ही चीज़ दे देना मच्छरदानी बस बाकी मैं सब देख लूँगा तो मच्छरदानी मिल गई थी मुझे रातों रात खरीद के दे दिया गया था इस बार लेकिन हमको मच्छरदानी नहीं मिला है इसका कारण ये है कि आजकल जो है कूलर पहले कूलर नहीं था हमारे घर में कूलर सब लग गया है अभी एसी नहीं लगा है कैमरा मैन चाहेगा तो भी लगवा देगा तो वो वाला डंडा हो गया क्लीन अब इसको काटेंगे और हो सकता है आज रात हमको खुजली भी आए कम से कम ये पार्ट जितने हाथ खुले हैं वहाँ पे और इसको जो काटते हैं ना इसका काटने का एक टेक्निक है अगर ज़रा सा भी आप एंगल उधर उधर किए तो बांसी आपका जो है आधा चिरा जाएगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ और देखो बकरी हमारे बगीचे में नाच रही है बकरी भाई बकरी के कराओ ए तो हर बकरी था बासक पाती खाई ही बासक पाती नहीं खाती और चार बकरी हैं उनके बकरियों को मैं जो है इसका चारा खिला के आता हूँ देखते हैं खाते हैं कि नहीं आई बस ए बकरी 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 को मैं खिला के लाता हूँ आ जाओ वैसे मैं बता दूँ बकरियों को जो है बांस का पत्ती ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन ये जो सॉफ्ट वाला है ना वाइट वाला ये सब पसंद करेंगी हरा वाला नहीं करेंगी तो मैं जो है ये वाला तोड़ के प्रयास करता हूँ बकरी ए बकरी ये ले ले तो एक खा लेना प्लीज खा लो कोई तुम खा लो ना प्लीज क्या होता है इससे होती है खुजली बांस के पत्ते से इसी वजह से जो है भाग रही हैं बहरहाल आइए हम अपना कनई क्लीन करते हैं क्या कहा था वो अच्छा वो मलकिन कह रहे हैं कि बांस के पत्ती बहुत थोड़ा खाते हैं ज़्यादा नहीं खाते ओके जब तक भैया मच्छरदानी लेके आ रहा है और तब तक मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ बहुत बढ़िया ठीक है जितने भी खाने के बीज होते हैं जैसे गेहूं हो गया चावल हो गया दाल हो गया आप देखेंगे जब या फिर मूँगफली का हो गया सोयाबीन हो गया हाँ नहीं काटे नहीं अभी एक मिनट रुक जबा ये देखे मच्छरदानी आ गया है जैसे मछली लोग मारा था हाँ जैसे पुराना जो तब ठीक है तो इन सबको जैसे दाल है दाल को अगर आप तोड़ेंगे तो उसमें दो दाने निकलेंगे अगर गेहूं बाजरा को तोड़ेंगे तो एक ही उसमें एक ही दाना होता है दो दाने नहीं होते समझ में आया क्या तो जो दो दाने निकलते हैं
उसको द्वि बीज पत्री बोलते हैं साइंस की भाषा में, जिसमें एक दाने होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, जोन्हरी हो गया, उसको बोलते हैं एक बीज पत्री। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं डाइकोटिलेडन एंड मोनोकोटिलेडन। ठीक बा, मोनो मीन्स एक, डाई मीन्स दो, और बाई मीन्स दो। मोनो मीन्स एक, आपने सुना होगा, कौन सी मूवी थी अभी आ रही शाहरुख खान की, पठान, पठान नहीं, पठान के बाद वाली, पठान के बाद सलमान खान निकाले नहीं, उसके बाद जवान, जवान मैंने आपने सुना होगा, जवान मूवी में शायद शाहरुख खान का एक मोनो डायलॉग है 5 मिनट का, मोनो मीन्स अकेला, अकेला डायलॉग 5 मिनट का, लव सेक्स एंड धोखा उसमें एक मूवी है, उसमें भी 5 मिनट का डायलॉग था एक, अगर आपको याद होगा तो उसमें देखिए मोनो डायलॉग बोलते हैं, मोनो, मोनो मीन्स एक, तो हो गया। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जो जितने भी हम अन्न खाते हो या एक बीज पत्री होता है या दो बीज पत्री होता है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि किसी भी पौधों को देख करके आप कैसे जानेंगे कि ये एक बीज पत्री है कि दो बीज पत्री है, उसका मैं एक बहुत साधारण सा ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अगर किसी के पत्ती को तोड़ने के बाद अगर आप इसको ऐसे चीरें, अगर ये सीधा टूट जाए तो समझ लीजिए ये एक बीज पत्री है। ठीक है, तो बांस क्या हो गया आपका, एक बीज पत्री। इधर आइए, जैसे कि ये है, ठीक है, ये मैंने पत्ता तोड़ ले, हमारे ही तोड़ा का दिक्कत है ना, काजू पेड़ है ये छोटा वाला, तोड़ ले कोनो भी तोड़ ले, जैसे मान ले ये पत्ता है, अब इसको हम तोड़ेंगे सीधा नहीं टूटेगा, देख रहे हैं, इसमें जालिकावाद विन्यास पाए जाते हैं और उसमें समानांतर विन्यास पाए जाते हैं। तेरा विन्यास ना भैया, अभी पूछने लगेंगे, ठीक है, ये टूटता जा रहा है, तो इसमें ये सीधा नहीं फटता है, तो ये क्या हो गया, डाइकोटिलेडन। दो उदाहरण और दिखाता हूँ आपको, इधर आइए, यहाँ पे दो तीन उदाहरण है हमारे पास, एक है ये है गन्ना जो 24 घंटे रहता है, 24 गन्ना, एक गन्ना क्या हो गया, अगर तोड़ेंगे तो सीधा जो है दो पार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसी में पत्ती, और हमारे पास ये है दूब, दूब, दूब जानते हैं ना, दूब के घास को अगर हम चीरेंगे तो सीधा जो है ये हो जाएगा दो पार्ट, एक एक, एक लास्ट, और ये देखिए धान है, ठीक है, क्या है ये, धान है, धान, धान मतलब चावल, चावल क्या होता है, चावल क्या होता है, मोनोकोटिलेडन होता है, ठीक है, अगर आप इसको चीरेंगे तो सीधा सीधा इसे चीरा जाएगा, तो धान क्या हो गया, दो दाल, ये एक दाल वाली, ये देखिए ये है सेम है, सेम सेम जैसे सोयाबीन होता है उसी तरह का है ये, इसके पत्ती को तोड़ेंगे और इसको हम ऐसे फाड़ेंगे तो ये जो है सीधा नहीं फटेगा ये, ठीक है, तो ये हो गया दो बीज पत्री यानी पाए का, ठीक है, हाँ ठीक है, वाह, एक डंडा, गुड, हाँ हाँ, देखो भैया क्या कह रहा है, लॉजिक चीज ये हो कि जब भी आप काटिए, गांठ है ना इसके ऊपर इतना काटिए ताकि जब भी ये बांधेंगे तो उसकी गांठ जो है सरकती है नीचे, तो ताकि इस गांठ पे जो है आके रुक जाए, ठीक है, ये ऊपर रहेगा और नीचे जो है हमेशा गांठ के पास काटते हैं, नहीं तो फट जाता है, नहीं पेट के नीचे रहते रहते, ठीक है, इसलिए पास में काटते हैं, तरीका बता दी, पहले ऐसे करा, फिर ऐसे करा, फिर ऐसे करा, अच्छा, फिर आसानी, अरे फिर क्या आसानी से चला, अगर आराम से छोड़ा जितना ही सोए उतना कसा है, ऐसे लगेंगे, हाँ, तो इस तरह से मच्छरदानी हो गया है तैयार, ओके, अंदर में डाल का जो लटका तो लपेटने का तरीका, वो मस्त, हाँ लपेटने का तरीका भैया सिखाने जा रहा है, ऐसे करें, हाँ सीधा ऐसे करें, अच्छा चला जाए, हम लपटा चला जाए, बस, तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे गांव में जो है फ्रॉम द स्क्रेच कनई काट, अरे देखिए हमारे लिए स्नैक्स आया है, गांव में जो है जब 4 बज जाते हैं, 4-5 कितना टाइम हो रहा है, 5 बज गया, 2 मिनट बाकी, तो जैसे गांव में ब्रेकफास्ट नहीं मिलता है, सीधा लंच मिलता है 10 बजे, फिर जो है 4 और बजे इस तरह से मिल जाता है कुछ खाने को, फिर 6 बजे 7 बजे खाना मिल जाता है, तो ये है लैया है, पकवा नहीं वो है चूरा है, चूरा, जिसको पोहा बोलते हैं, पोहा,
ठीक है, और इसमें चना है और इसमें मूंगफली है, ठीक है, इसको भुना गया है और साथ में है थोड़ा हरा अचार, चटनी जिसे कह सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम यहीं बगीचे में टहलते टहलते खाएंगे खाएंगे इंजॉय करेंगे। बाय। हेलो।